नमस्कार दोस्तों, Lenovo Z6 Pro के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में दूंगा। मेरा नाम है लालजी पटेल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। Lenovo Z6 Pro में रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का चौथा कैमरा है। सेल्फी कैमरे के लिए इसमें 32 मेगापिक्सल का कैमरा है। इसमें दी गई 4000 mAh बैटरी 27W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। Lenovo 6 Pro को इसी साल अप्रैल में लॉन्च किया जा चुका है, जिसमें 6.39 इंच AMOLED डिस्प्ले है जो DC डिमिंग और HDR वीडियो सपोर्ट करती है। फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर है, जिसमें 12GB तक की रैम और 512GB तक का स्टोरेज मिलता है। फिलहाल K10 नोट और A6 नोट के स्पेसिफिकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक K10 नोट में ट्रिपल रियर कैमरा विथ LED फ्लैश और रियर फिंगरप्रिंट सेंसर होगा, जो दो कलर में ऑप्शंस में उपलब्ध होगा। वही A6 नोट के वाटर ड्रॉप स्टाइल नॉच डिस्प्ले और रियर फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। इसे भी दो कलर में बेचा जाएगा। Lenovo ने Z6 Pro को चीन में फ्लैगशिप फोन के तौर पर लॉन्च किया जा चुका है। Lenovo K10 Note और A6 Note को सबसे पहले भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा। सो गाइज, मेरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और मिलते हैं अगले वीडियो में।